सांसम सलमान उसके चार के साथ हम पिछले दिनों से देखते रहे सर्वांग सुंदरी। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। हे मेरा प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। तुझ में कोई दोस्त नहीं। एक मिनट मौका आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदा मत आज मुझे से बातें कर, मेरा जीवन में जो भी कमी गई ध्यान के समझ कर सुधरने में सर्वांग सुंदरी बनकर खड़ा होने में प्रभु मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरा यीशु दुला सर्वांग सुंदर है। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह सर्व अंग सुंदर है? वो बिल्कुल परिपूर्ण सुंदर है। उसमें कोई भी फाट नहीं है, उसमें कोई भी दोष, उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो सर्वांग सुंदर है, उसमें किसी प्रकार की दोष नहीं है। तो उनका दुलीन, उनके साथ उनके सिंहासन में बैठने वाला दुलीन वो कैसा होना चाहिए? सब जगह ठीक है, थोड़ा सा नाक छपता है, नाक तेरा है, अंग अंग तेरा है, मुंह तेरा है, दांत निकला है, वो है, है। ऐसा होने से कैसा होगा? चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया। अब बालक का सुंदरता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आत्मिक जिंदगी के बारे में बोल रहा हूँ। पिछला कल तो हम बताया कैसा कैसा हमारा आत्मा शरीर प्राण वो किसी विधि से हम लोग तैयार होना है उसके बारे में बताया। हालेलुया। अपना कैसा कैसा प्रभु के लिए सब अंग सुंदर, मतलब हर जगह पर हर तरफ से हम क्या होना है सर्वांग सुंदरी प्रभु का मिनिस्ट्री करने में। चार प्रकार का मिनिस्ट्री कल हम बताया, क्या क्या मिनिस्ट्री है, कितना लोग देखा वीडियो में? कल कितना लोग देखा? देखा बहुत कम लोग देखा। हालेलुया। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग वीडियो में देखिए, प्रेतराज मैसेज जो है थोड़ा सुनिए, बैठकर कान में एक हेडफोन लगा कर सुनिएगा। तो ध्यान दीजिएगा मिनिस्ट्री चार प्रकार से आप कर सकते हैं। हर विश्वासी चार प्रकार से हमें, पहला कैसा? शरीर से प्रभु के लिए दौड़ धूप करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। हमें आप चर्च माता है कितना सेवा कर सकता है। कितना लोग लेट माता है, 10:30 बजे आके काली बेल दबाते रहते हैं, नहीं बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले आ जाइए, 1 घंटा 2 घंटा पहले आइए, कम से कम 4 आलू काट के रखिए। आलू काट सकता नहीं कर सकता? कितना लोग आलू काटने आता है, आलू काटने आता है तो क्या करना है? पहले आइए, थोड़ा सब्जी काटिए, थोड़ा मिर्चा काटिए, थोड़ा प्याज काटिए, आलू काटिए, बर्तन धोकर रख सकता कि नहीं? जो तो प्लेट धोकर रख सकता कि नहीं? अब आइए, ये शारीरिक मेहनत है। अब कितना बड़ा आदमी छोटा आदमी इससे मतलब नहीं है, ये प्रभु के लिए क्या है? सेवा है। अपने शरीर से आप मेहनत कीजिए। आमीन। अब शरीर से क्या करना है? प्रभु के लिए मेहनत करना, ये शरीर से सेवा करना। एक जूठा प्लेट धोकर रखा वो भी सेवा है। सुबह आया पहला गेट के सामने थोड़ा सा झाड़ू मारा वो भी सेवा है। सेवा की नहीं खत्म। सुबह आया चार ग्लास धोकर ग्लास चार क्या है और खिड़की साफ करके रखा वो भी सेवा है। कितना लोग गंदा करके जाता है उसको पूरा साफ करना पड़ता है। पूरा खाना पीना खाकर इधर इधर ट्रेन के चले जाता है, लेकिन साफ करने वाला बहुत कम है। आप शरीर से सेवा कर सकता है। कुछ लोग चर्ची बाड़ने के लिए भी चर्ची में आप इतना मेहनत करके आते हैं, धूप में, बारिश में, ठंडा में, वो भी क्या है? शारीरिक सेवा है। ये शारीरिक सेवा करना है हमें। हालेलुया। कुछ आटे की मीटिंग में नहीं जाता, अपने गांव में जो कैसे लीडर लोग मीटिंग रखता है नहीं जाता। क्यों? पुराना मसीह बन गया। क्या मसीह बन गया? सीनियर मसीह बन गया। हालेलुया। वो लोग का जिंदगी सही नहीं होगा, इसलिए शरीर से क्या करना, मेहनत करो, थोड़ा समय निकालिए। हफ्ता में एक डेढ़ घंटा आप कैसल में अपना घर का बगल में जाकर थोड़ा प्रार्थना कर सकता नहीं कर सकता? कितना लोग कर सकता? देखो बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे, देख रहे हम लोग बहुत लोग हाथ नहीं उठाए। हाँ अगर ठीक है, पीछे सुशांत की मम्मी हाथ नहीं उठाएगा, एक एक को बताना क्या बहुत लोग हाथ नहीं उठाए? क्यों नहीं जाते? घर में ही बर्तन सब धोते रहता, खाना पकाते रहते, रोटी भरते रहते हैं, थोड़ा जाइए, नहीं जाते हैं। क्यों? शरीर तकलीफ हो जाएगा। शरीर में मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, दौड़ नहीं करते, धूप में पिटा जाएगा। अभी कोरोना आकर और भी क्या कर दिया, बहुत लोग अच्छी करवा दिया। हालेलुया। अगला क्या करना है? आत्मा से
सेवा करना, प्रभु आपको कितना ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ्य दिया, वरदान दिया, अभिषेक दिया, उससे क्या करना है? हरेक के पास जाना है, सेवा करना है, मसीह में लाना है। क्या आपको प्रभु दिया हुआ टैलेंट से आप एक महीना में एक आत्मा को जीत सकता है? नहीं सकता है। बोलिए कितना लोग जीत नहीं सकता? आज बताइए कितना लोग जीत सकता? अब महीना में एक आत्मा लेकर आएंगे। अभी जनवरी महीना में कितना लोग एक आत्मा लेकर आएगा? कम से कम एक आत्मा। आप बताइए कम से कम जनवरी महीना में एक आत्मा जीता है। अच्छा साथ बताइए एक आत्मा कम से कम बाकी क्या नहीं कर सकता? मुश्किल है सब कुछ। आपका प्रभु दिया हुआ टैलेंट छुपा कर मत रखिए, ये भी सेवा है। आप सर्वांग सुंदरी, आपके सारी अंग सुंदरी बनना है, सर्वांग सुंदरी मेहनत करना है। कम से कम अपना कैंसर में दृष्टि कीजिए। जो जो अपना कैंसर में भाई लोग नहीं आ रहा है उनको फोन कीजिए, उनके पास जाइए, घर में जाइए, भाई आजकल आप चर्च में क्यों नहीं आता है? हेलो ये बात मत कीजिए दीदी, बात करना प्रेंगला थोड़ा सा। आप अपने कैंसर में जाइए, ये बार बार बोलते अपना कैंसर। जब जब भाई लोग अपना परिवार में शुरू कीजिए, परिवार में जो जो नहीं आता है कितना जगह पूरा मोबाइल टिकते रहता। हले लिया चर्च में नहीं आता, उन लोगों को बताइए समझाइए मेरे यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, एक भी आत्मा नष्ट ना हो जाए। कितना हो सकता है उतना आत्मा नरक का आत्मा मचाने की कोशिश करिए। प्रभु इसलिए आपका अभिषेक किया है। क्या किया है प्रभु अभिषेक? इसलिए किया आपका आत्मा बचाना। खुद कैंसर लीडर मेहनत नहीं करता, कैंसर लीडर कैंसर में टाइम पर नहीं जाता है। कितना रिपोर्ट आता है टाइम पर नहीं जाता, कैंसर लीडर आधा घंटा लेट जाता तो कैंसर कैसे चलेगा? कैंसर लीडर लोग जो टाइम दिया उसे आधा घंटा पहले जाओ, जो नहीं आया फोन कर पूछताछ करो। हालेलुया हालेलुया। पहले शरीर से सेवा, आत्मिक आत्मा से सेवा, अगला क्या है? फाइनेंस आर्थिक अवस्था में सेवा। आपका जो भी प्रभु कमाने का दिया है उसमें क्या कर दस में एक दे दीजिए। प्रभु का है वो ये करके आप आत्मा का नष्ट मत कीजिए। इससे क्या करें तब तो हम लोग को और जगह पर सेवा मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। मिनिस्ट्री आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? आगे बढ़ाना ही नहीं। अभी तक गणबाग में चर्च नहीं है, बुखारा में चर्च नहीं है, कतरास में चर्च नहीं है, हजारीबाग में चर्च नहीं है, हालेलुया पुरिया में चर्च नहीं है, महापुर में चर्च नहीं है। जमीन लगे चर्च बनाएंगे नहीं बनाएंगे? कितना लोग बोलते हैं जमीन लगे चर्च बनाएंगे? आज बढ़े हले लिया तो आज जाने से नहीं होते। कितना हमारा चर्च का हरेक विश्वासी आपका छोटा कमाई कोई बात नहीं, वो विधवा दो टुकड़ी दे दिया कोई बात मत कीजिए, बच्चों को थोड़ा साथ रखिएगा। हले लिया आप अपना छोटे से कमाई मिट्टी खोल कर देंगे, बोलते प्रभु को पैसा चोरी करके एक दिन जाते समय क्या हो जाएगा? आपकी दोस्त हो जाएगा, आपका पैसा भी आपके साथ नहीं आएगा। घर के ऊपर घर, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, बैंक बैलेंस, जमीन, ओ ये सब कमा कर रखा, जाते समय जब श्वास बंद हो गया खाली, या उसका भी कोई फायदा नहीं, उनके चलते प्रभु का भी कोई फायदा नहीं। एक आत्मा दुनिया से बहुमूल्य प्रिय भाई प्रिय बहन आपका दम दौड़ से कम से कम दस में नौ तो आप अपना मर्जी से कच्चा कीजिए, कम से कम दस में एक दशांश प्रभु को धोखा मत दीजिए। एक प्रभु का सेवा है सर्वांग सुंदरी, सब तरफ से क्या करना सुंदरी बढ़ना है। कितना बचा दे सर्वांग सुंदरी बढ़ना है। ताली बजाते जो ताली बजाते धन्यवाद धन्यवाद। अभी कितना बोल सकता है पास्टर मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मेरे को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मेरे पास धन दौलत भी नहीं है, लेकिन एक चीज है आपकी प्रार्थना, आंसु के साथ प्रार्थना, आंसु बहा के बोझ लेके प्रार्थना, सेवा के लिए, सेवक के लिए, सेवक की परिवार के लिए, अपना यात्रा के लिए, अपना कैसल के लिए, अपना हर जगह का मिनिस्ट्री के लिए, हर जगह में प्रभु का बहुत बड़ा बेटा होने के लिए, धार्मिक अत्याचार का विरोध में देश के लिए प्रार्थना कर सकता कि नहीं कर सकता? हर एक विश्वासी उसी के लिए किसी को भी छूट नहीं है भाई। आपको प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु अपने चेलों को बोला तुम मेरे लिए क्या करो प्रार्थना करो, वचन नहीं बोला, प्रभु का जरूरत पड़ा तो अपने चेलों को प्रार्थना का जरूरत पड़ा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा परिवार मेरा बच्चा मरना जब तक अंतिम श्वास तक प्रभु के लिए सेवा करना है, एक अच्छा कुश्ती लड़ना है, मेरा शौक पूरा करना, कहीं भटक नहीं जाए।
सर्वांग सुंदरी कैसा बनेगा सर्वांग सुंदरी, घर में शांति नहीं है, झगड़ा, आसपास के लोग आपको फोन करता है, कुछ लोग डोरी गले का झमेला, बहू को जबरदस्ती करता है, मां से पलंग लाओ, अलमारी लाओ, वैसा उससे अच्छा है भीख मांग लो। कई खड़ा में आप बताओ पट्टी भर के बोला बिछा कर भाग ले मिल जाएगा, शर्म नहीं है उनका, मां तो है घर घर में जाकर बर्तन धोके कमाता है, पेट पालता है, उसने जबरदस्ती सूद में पैसा दिलवाकर अलमारी और पलंग लेना है, उसी में सोने से नींद आएगा, उसी के लिए झमेला चारों तरफ तू तू कर रहा है मस्जिदों में। अन्य भाषा बराबर बोल देते हैं, अन्य भाषा मैं अन्य भाषा बोलने वाला कम से कम 12 साल पुराना विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं, ये पूरा बात नया विश्वासी के बारे में नहीं। सुधर जाइए, इतना वजन सुन के सुधरता नहीं तो कैसा होगा, इतना वजन सुन के पैसा का लो आप पर अच्छा है कमो, लड़की के घर से छीनने के लिए कोशिश करता, फिर भी हम सर्वांग सुंदरी बनेंगे, सर्वांग सुंदरी बनेंगे, सर्वांग सुंदरी बनेंगे, सर्वांग मेरी सर्व गलिया सुंदरी बना। अपने भाई बहन है आज आप कैसे भी ले रहे हैं, मैं बार बार प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है, इस पीढ़ी पर प्रभु का धुली फूकने वाला है, अपना जिंदगी को तैयारी कर, जिसको ज्यादा दिया उसके ज्यादा मांगेगा, आपसे ज्यादा प्रभु पूछेगा, आपको ज्यादा वजन दिया, आपको ज्यादा जानकारी हुआ, आपको ज्यादा लेकर देना पड़ेगा, ये नहीं है कैसा भी अंदर घुस जाएंगे नहीं जाएगा। हालेलुया, सेवक लोग भड़क रहा है, हमारा चाची का बोल रहा हूं, हालेलुया, उधर पैसा ज्यादा दे रहा है, इधर पैसा ज्यादा दे रहा है, पैसा के लिए पैसा कमाने के लिए तुम मिर्च में क्यों आए, कोई डॉक्टरी नहीं कुछ नहीं, कोई बिजनेस नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पैसा। हालेलुया, आज हमारे जिंदगी सुनना है, एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना है, तब हिम्मत के साथ ये दुनिया को छोड़कर समय हमें हो हिम्मत होना चाहिए, एक दिन दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन सांस बंद हो जाएगा, जब दुनिया से विदा करेंगे हो हिम्मत के साथ, जब दुनिया से हम विदा करेंगे ये प्रभु का इच्छा पूरा किया, प्रभु के मध्य में पूरा किया, हर कदम पर प्रभु का आत्मा से मैं चला ही चला। हालेलुया, सिर्फ अन्य भाषा को छोड़ने बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ जलाना है, आतंक में गाड़ी बटाना कुछ नहीं है, भाषा में बस जिंदगी दे, इतना बदलू लग रहा है, चरित्र में कोई बदला नहीं है, उनका बॉडी बदला नहीं है, उनका सोच विचार बदला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, कितना विश्वास के घर में जाते हैं, मैं घुसने के बाद भी सीरियल चल रहा है, मैं घुसने के बाद बात भी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं घुसने के बाद भी क्या चल रहा है, सीरियल चल रहा, सर्वांग सुंदरी बनेगा, उसके डर को बंद करवाना पड़ते हैं मेरे को, देखिए इतना भी डर नहीं है, क्या प्रचार सुन रहा है। हालेलुया, एक ऐसा सुंदरी बनना मेरा दुला देखकर मुझे पसंद करना है, मेरा प्रिय तू सर्वांग सुंदरी, तुम्हें कोई भी दोष नहीं है, तुम्हें कोई भी दोष, तुम्हें कोई भी दोष, हर कहां पर परिपूर्णता से दिल से आप खुला दिल से रहिए, किस प्रकार की छल खपट धोखा बाजी पंडित हो ये करो है विरोध ना झलन हो ये कुछ नहीं, आप अपने को बदलिए, मुझे कोई चीज से मतलब नहीं है, मेरा यीशु के सामने पवित्र जिंदगी जीना है, मेरा यीशु के सामने तो सुंदर जिंदगी जीना, कोई लड़का का चक्कर में, कोई लड़की का चक्कर में, मेरा तो कितना ये आना है, हम सबको दूर दूर के निकल रहे, कितना लोग फेसबुक में प्यार मोहब्बत कर रहा, सावधान हो जाइए,
प्रभु आपके लिए अच्छा जिंदगी जो जिंदगी चुना करेगा वो आपके जीवन में 100% आएगा। आप छाप साठ में मांगने के लिए कोई चीज करेगा नहीं होगा। हालेलुया। सबके लिए प्रभु समय रखा प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु के सामने एक सर्वांग सुंदरी, प्रभु के नजर में इसका मूल्य बड़ा है, प्रभु के नजर में इसका मूल्य बड़ा है। इसे आज अपने जीवन में सर्वांग ये सर्वांग सुंदरी बनकर अब जब दुलीप बनकर खड़ा हो जाएगा तब दूरी पुत्र समय आप रुबा करोगा। लेकिन उसी वक्त उसे आखिरी समय आप तैयारी नहीं है आप नहीं जाएगा आप नहीं। हालेलुया। इसलिए तैयारी कीजिए अपना जिंदगी आप किसी का जिंदगी नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी आपके जीवन में दो इंपॉर्टेंट चीज है एक अपना खुद का जिंदगी तैयार कीजिए प्रभु के सामने बैठिए बैठिए कुटाते का अश्रु के साथ अपने जिंदगी को कुला रखिए प्रभु को बहुत दिख के उसी महिमा का उजाला के सामने आप अपना का तैयारी कीजिए रोइए छाती पीटिए मेरे जीवन में क्या क्या कमी है निचोड़िए रुमान रोइए। एक मौका जिंदगी में एक बार हार गया फिर मुश्किल बाकी केम गेल को परीक्षा पढ़ाई एक बार फेल हो गया दस बार दोबारा लिख सकता लेकिन आत्मा बार बार बोलते हैं आत्मा तैयार में रखिए। जब दूरी फूकने के बाद तैयारी बना नहीं दूरी फूकने से पहले अब तैयारी बना है कितना को समझ में आ है। हालेलुया। हालेलुया। इसे आज अपने जीवन में जो भी कमी ज्यादा हम लोग प्रचार बहुत सुन चुका बहुत सुन चुका एक चीज का जरूरत है मेरा जिंदगी आगे बढ़ रहा है या घट रहा है मेरा प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है या घट रहा है मेरा आराधना में प्रभु को उपस्थिति में महसूस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मेरा जन्म स्वभाव मेरा बोली मेरा नजर मेरा विचार मेरा चाल चलन प्रभु के सामने पवित्र दायित्व है या नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए दो दुख कर रहा हूँ प्रभु का प्यार मुझ में है जिसके पास प्रभु का प्यार हो प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार होगा कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होता जो प्रभु छोड़ना चाहते हैं तुरंत छोड़ देता क्यों वो प्रभु को प्यार करता कितना लगा थोड़ा सा कि नक्ति नहीं है उसको कौन ले सक रहा है उसको लगा कर ही घूमना है दिखावटी करना है भाई छोटा छोटा बातों पर अपना ईश्वर दिल को प्रकट कर प्रभु के सामने दिखाओ प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं कितना भी हो सीमा नहीं देखेंगे सीरियल नहीं देखेंगे बेकार की गंदे चीज गंदे फोटे कोई लड़का लड़की वीडियो नहीं देखेंगे थोड़ा पवित्र से सुबह आराधना बोल के आराधना प्रभु की महिमा मेरा व्यक्तिगत जीवन में उतरना है हर दिन आप सुबह उठकर निर्णय लेना आज का दिन पूरा वे सब अंग सुंदर बनकर जिएंगे हर दिन कोशिश करते रहिए हर दिन स्वर्ग खुशी हो जाएगा ऐसा झूठ को प्रभु ढूंढ रहा है ऐसा अपना जिंदगी तैयार कीजिए आप आराधना करेंगे आग बंद करेंगे तुरंत प्रभु को उपस्थिति आएगा आपके जीवन आप आराधना करने का जरूरत है आराधना ऑटोमेटिक आएगा आपको आराधना बंद करने का मौका नहीं मिलेगा। आराधना जबरदस्ती मजबूरी करना चाहते नहीं होता है मुंह खोलना चाहते मुंह खोल नहीं पाते बाकी सब चीज के लिए हल्ला करेगा लेकिन आराधना में मुंह खोला नहीं करेगा ताली बजाओ नहीं बजाएगा। हालेलुया। आज अपना जिंदगी कितना लोग निचोड़ना चाहते हैं प्रभु बजे से पहले आज जो जो सुना हुआ बातों में मैं अभी भी कमी कड़ी रह गया जहां जहां मेरे जीवन में गंदगी है कचरा है पाप है विपचार है जहां जहां वचन को जानता हूं लेकिन मैं अन्ना क्या कही है आइए ज्यादा समय नहीं नहीं लेंगे दो मिनट हम अपना जगह पर जो जो कुछ देख सकते हैं कुछ अटक जो कुछ अटक नहीं सकते वो अपना जगह पर खड़ा होके एक बार प्रभु के लिए इस प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले प्रभु कैसा भी मुझे सर्वांग सुंदरी बना दो पापा हर तरफ से है मेरा आत्मा में मेरा शरीर में मेरा प्राण में है मैं आपको सेवा करना है वो शरीर से सेवा करना है आत्मा से सेवा करना है आर्थिक अवस्था में सेवा करना है यात्रा में सेवा करना है प्रार्थना वीर बनना है मुझे प्राप्त